स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम धानुका खेती की नई तकनीक में। मक्के दी रोटी नाल सरसों दा साग, ये तो आपने खूब सुना ही होगा और कई बार जायका लेके खाया भी होगा, लेकिन खाने में ये जितना स्वादिष्ट लगता है, इसको उगाने में उतनी ही मुश्किलें आती हैं। मेज़ यानी मक्का की ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू कराने के लिए हम आ गए हैं मक्के के खेत में। मक्का एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई पूरी दुनिया में की जाती है। इसकी बुआई सबसे ज़्यादा चीन में होती है, लेकिन इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा अमेरिका में होती है। मक्के के खेतों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनसे जुड़ा जो समाधान है और उससे जुड़ी जो तकनीक है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। मोटा अनाज कहा जाने वाला मक्का कभी गरीबों का पेट भरने में काम आता था, लेकिन आज ये उद्योग जगत में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। अब इससे स्टार्च, अल्कोहल, गोंद, चमड़े की पॉलिश और खाद्यान्न तेल बनाने लगे हैं, जिनकी काफी मांग भी रहती है। मक्का भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों में उगाया जाता है। इसकी बुवाई और उपज के आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मक्के की बुवाई चीन में की जाती है। चीन के किसान मक्के को तकरीबन 37 मिलियन हेक्टेयर में बोते हैं। उसके बाद नंबर आता है अमेरिका में, जहां इसकी बुवाई करीब 33 मिलियन हेक्टेयर में होती है, जबकि ब्राजील में मक्के की फसल को तकरीबन 15 मिलियन हेक्टेयर में देखा जाता है। मेज यानी मक्के के खेत चीन में भले ही ज्यादा हो, लेकिन उपज के मामले में वो तीसरे नंबर पे आते हैं। यहाँ मक्के की उपज 5822 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। वहीं अर्जेंटीना में मक्के की उपज 6844 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका में मक्के की उपज 10744 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। मक्का की पैदावार में भारत पांचवें स्थान पर है। बात जब अपने देश की है, तो आइए आपको ये भी बता दें कि मक्का भारत के किन राज्यों में पैदा किया जाता है। भारत में मक्के की बुआई सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है। यहाँ 1.34 मिलियन हेक्टेयर में मेज की खेती होती है। उसके बाद मध्य प्रदेश 1.13 मिलियन हेक्टेयर में मेज की खेती होती है और महाराष्ट्र में 1.08 मिलियन हेक्टेयर में मक्के की बुआई होती है। लेकिन मक्का की उपज में सबसे आगे है तमिलनाडु। यहाँ 6423 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल दर्ज हुई और बुआई 0.32 मिलियन हेक्टेयर में हुई थी। वहीं आंध्र प्रदेश 6396 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उपज के साथ नंबर दो पर है, जबकि यहाँ बुआई 0.30 मिलियन हेक्टेयर में हुई थी। और कर्नाटक मक्का की उपज के आंकड़ों में नंबर तीन पर है। यहाँ मेज की उपज 3152 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही, जबकि यहाँ बुआई 1.34 मिलियन हेक्टेयर में हुई थी। मेज की खेती खरीफ के साथ साथ जायद व वसंत ऋतु में भी की जाती है, हालांकि सर्दी के कुछ महीने छोड़कर इसे किसी भी महीने में उगाया जा सकता है। ये अधिक उपज देने वाली फसल है। जून से जुलाई के बीच बोई फसल 45 दिनों में पूर्ण विकसित होकर 50 से 60 दिनों में भुट्टे देने लग जाती है। इसके लिए गहरी, काली, उपजाऊ, जीवांश युक्त मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। किसान को हमारा अन्नदाता कहा जाता है, गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि किसान जितनी मेहनत अपनी फसल को उगाने में करता है, उसको दाता का खिताब देना बिल्कुल वाजिब है। आप और हम तो शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन किसान का काम घड़ी की सुइयों की तरह लगातार चलता ही रहता है। फसल की बुआई से लेकर फसल कटने तक किसान एक पल भी चैन से नहीं बैठता है। आइए आपको दिखाते हैं कि मक्के की खेती करते समय किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उसे किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं गुरनाम सिंह, पिंड सालापुर, पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं लगभग 20-25 साल से खेतीबाड़ी का धंधा कर रहा हूँ। इसी दौरान मेरा तजर्बा कुछ अच्छा, कुछ बुरा रहा है, और मैं मक्की की खेती लगभग 25 एकड़ में हर साल करता हूँ। पहले खेती करना थोड़ा आसान था, लेबर का खर्चा भी कम पड़ता था, तो दवाइयाँ का खर्चा भी कम पड़ता था। अब तो खेती
लाहेवंद कम और खर्चीला तंदा ज़्यादा बन गया है, इसमें प्रॉफिट तो बहुत ही कम हो रहा है। मक्की की खेती करने सबसे ज़्यादा तो नदीन के कंट्रोल करने पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और लेबर की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए बहुत सारी दवाइयों का हमने इस्तेमाल किया लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। इस दौरान हमारा संपर्क धनुका कंपनी के डॉक्टर साहबान से हुआ और उन्होंने हमें सैंपरा दवाई मोथे और नदीनों के कंट्रोल वास्ते सजेशन किया और हमने उसका प्रयोग किया, जिसका हमें बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिला। पहले मक्की के खेत में लगभग मेरे को 34-35 क्विंटल चाड़ आता था, अब नदीन का कंप्लीट सावधान करने के बाद तो हमारा मुनाफा बढ़ा, लगभग 12-4 क्विंटल का फर्क आया। इस जगह पे हमने सैंपरा का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं इस सैंपरा का प्रयोग करने के लिए उन्होंने धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छे फसल की उम्मीद में किसान दिन रात मेहनत करता है, अपने खून पसीने से खेतों को सींचता है। कड़कड़ाती ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो या फिर मूसलाधार बारिश, हर तरह के मौसम किसान के सर के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन अंत में किसान के हाथ फिर भी खाली रह जाते हैं। इसके अलावा भी किसानों को तमाम तरह के खतरों से जूझना पड़ता है, फिर चाहे वो मंदी की मार हो, मौसम की बेरुखी हो या फिर मंडी और फसल के बीच मुंह खोले खड़े बिचौलिए हों। इन तमाम तरह के खतरों को, इसमें से बेरुखी मौसम की अगर हम छोड़ भी दें तो बाकी की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम से जुड़ी हैं, जिसका समाधान हमारे हाथ में नहीं है। इन खतरों के अलावा भी खड़ी फसल पर किस तरह के खतरे मंडराते हैं, जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ जतिंदर मन्ना से, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं। जतिंदर, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मक्के की जो बुआई जो होती है उसमें किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं? धन्यवाद। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मक्का की बुआई पंजाब में 11.5 लाख हेक्टेयर में होती है और इससे जो उपज है वो केवल 14.7 क्विंटल प्रति एकड़ है। अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो वहाँ से बहुत ही कम है। तो उसके लिए जो मुख्य कारण है वो बिजाई के समय से ही हमारे बीच में शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो है बीज, जो हम बीज इस्तेमाल करते हैं वो किसान जो है वो जो हम सिफारिश करते हैं वो नहीं इस्तेमाल करके किसी और ब्रांड के या प्राइवेट कंपनी का बीज इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से जो है वो उपज कम हो जाती है। दूसरी बात जो है इसमें जो बुआई, अगर हम मक्के के तरफ देखें तो इसमें कतार से कतार जो है वो हमें 2 फुट की दूरी रखनी होती है और पौधे से पौधा जो है वो हमें 8 इंच मतलब कि 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी ज़रूरी है। और अगर हम इसकी बुआई जो है लेबर से मतलब कि आदमियों से करवाते हैं तो उससे जो है बीज जो है वो सही जगह पे ज़रूर पड़ता है पर उससे खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद कई मशीनें आई हैं जैसे कि सीड ड्रिल है, उससे ये होता है कि जो बीज हैं वो इकट्ठे गिरते हैं तो उससे भी जो है वो पैदावार कम होती है। और अभी जो है एक नई सीड ड्रिल आई है, न्यूमेटिक सीड ड्रिल, जिससे कि वैक्यूम से बीज एक एक उठा करके, पर उसमें ये कठिनाई है कि वो मेड़ के ऊपर बिजाई नहीं करती है, वो जो है वो प्लेन धरती के ऊपर बिजाई करती है। इस वजह से अभी हम लोग इसमें और कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सीधा लेबर के साथ बिजाई करवाते हैं तो भी अगर 8 इंच से कम या ज़्यादा रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर 2 फुट बाय 8 इंच पर पौधा लगाए तो 33,000 पौधे जो हैं वो प्रति एकड़ में आने चाहिए। तो अगर जैसे जैसे पौधों की संख्या कम होती जाती है तो वैसे ही जो है वो जो उपज है वो भी कम हो जाती है। तो सबसे मुख्य कारण जो है वो सही बीज का चुनाव और पौधों की संख्या है। जतिंदर, ये बताइए मक्के की जो खेती है फसल को और किन चीज़ों से खतरा रहता है? इसे मुख्य तरह से देखा जाए तो मक्का में जो कीट हैं और मक्का में लगने वाली बीमारियाँ जो हैं और जो नदीन है, ये 3 चीज़ें हैं जो मुख्य तौर से मक्का की जो उपज है उसको कम करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कीट की बात करूं तो मक्के में जो तना छेदक है जिसको गड़ुआ भी बोलते हैं
वो जो है ये हमने देखा है कि उसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान मक्का की खेती में देखा गया। उसमें क्या होता है कि किसान भाइयों ने देखा होगा कि जब मक्का छोटी होती है 10-20 दिन की, तो उसमें पत्तों में छेद हो जाते हैं या उसके बीज की जो कुंबली होती है वो आपने देखी होगी कट जाती है, तो उस वो जो है वो एक बिल्कुल पहचान है कि ये तना छेदक द्वारा किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो है कीड़ा वो है पब्बू कुत्ता, जिसको हम लोग हेयरी कैटरपिलर अंग्रेज़ी में बोलते हैं। इसमें जो है ये देखा गया है कि जो पत्ते हैं वो जालीदार किस्म से ये खा जाता है। और इसके बाद अगर बात की जाए तीसरा जो अहम कीड़ा है वो है तेला, जिसको हम जैसिड भी बोल देते हैं। जैसिड जो है वो तब आता है जब ऊपर जो टैसल है जिसको हम लोग बाबू झंडा बोलते हैं ये निकल आता है, इस पे ज़्यादा इसका असर रहता है और ये पत्तों पे भी बहुत सारा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये तीन अहम कीड़े हैं। इसके बाद अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो बीमारियों में जो है सबसे अहम जो सबसे पहले लगती है वो है पौधे का गलन। जब हम बिजाई करते हैं तो उसी वक्त ही 10-15 दिन के हालत में ही पौधा जो है वो गल जाता है और वहीं पे मर जाता है, छोटा पौधा ही। उसका मेन जो खास कारण है वो रहता है कि बीज को हमने अच्छी तरह से उपचार नहीं किया होता। तो इसके बाद जो दूसरी जो बीमारी आम तौर पे हमने पंजाब में देखी है वो है पौधे का गलना। जैसे हम लोग ये पौधा देख रहे हैं, ये पौधा जो है ये इसमें पौधा गलन हुआ है, तो ये सारा पौधा इसीलिए सूख चुका है। सो तना गलन जो है वो किसान भाइयों के लिए बहुत अहम समस्या है। इसमें आप देखेंगे कि जो नीचे से तीसरे जो नोड है वहाँ से ये पौधा जो है ये गल जाएगा। ये इसका अहम कारण है कि इसका जो पौधा है ये पानी में रह जाता है। कई बार जब पानी किसान भाई ज़्यादा लगा देते हैं वो मेड़ के ऊपर से चल जाता है, तो उस वजह से तना गलन अहम हमने देखा है होता है। और इसका एक और मुख्य कारण है वो है कि बीज, हमने अगर बीज का चुनाव सही नहीं किया है तो भी ये तना गलन जो है ये अहम रहता है। बिल्कुल। सो ये दो बीमारियां हैं और ये दो खास तौर पे हमने देखी हैं। और एक जो तीसरी बीमारी है वो है BLSB बैंडेड लीफ शीट ब्लाइट, वो हमने बहुत कम पंजाब में देखी है। पर वो कहाँ होती है, जहाँ पे किसान मक्का पास लगाते हैं, जहाँ जब मक्का पास लगेगी तो उसमें हमने उसका जो प्रकोप है वो ज़्यादा देखा है। बिल्कुल। तो अगर हम तीसरी और मुख्य कारण की बात करें वो है नदीन। बीमारियां और कीड़े जो हैं वो कुल उतना नुकसान करते हैं जो नदीन अकेला ही करता है। तो नदीन जो है अगर आप देखेंगे तो जैसे कि अहम जो नदीन है वो मक्के में मिलने वाला ये है, इसको हम लोग पंजाबी में जो है वो मोथा बोल देते हैं। सो ये जो है इसमें जो है नीचे गांठें रहती हैं जड़ों में, जिस वजह से ये जो है अगर हम ऊपर से काट भी देते हैं तो भी ये नदीन जो है इसकी गांठें जो हैं वो दोबारा से चल पड़ती हैं, इसकी गांठें जो हैं वो हरी रहती हैं। इस वजह से इसका जो प्रकोप है वो रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जितेंद्र, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि एग्रोकेमिकल का जो इस्तेमाल हम जो किसान भाई करते हैं, तो अगर उसका सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक खतरे को से बचा जा सकता है, साथ ही साथ उपज को भी बढ़ाया जा सकता है, क्या कहेंगे? जी, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि हम लोग जो कीड़ों के लिए और बीमारियों के लिए अगर किसान भाइयों को स्प्रे करनी है तो वो होलोकोन नोज़ल का इस्तेमाल करें। होलोकोन नोज़ल की क्या विशेषता है कि ये कम पानी में ज़्यादा जगह जो है वो कवर करती है। तो इसके लिए अगर हम होलोकोन नोज़ल से स्प्रे करेंगे तो हमारा पानी सिर्फ 60 से 100 लीटर लगेगा एक एकड़ में। इसलिए हम लोग यही सुझाव देते हैं कि जो कीड़ों के लिए स्प्रे करनी है वो इसी से की जाए, अन्यथा जो बीमारियों के लिए है वो हम लोग यही कहेंगे कि आप फ्लैट फैन नोज़ल यूज़ कर सकते हो। फ्लैट फैन में क्या रहता है कि उसमें पानी और ज़्यादा निकलता है, तो उसकी जो क्षमता है वो 100 से 150 लीटर तक पानी निकालने की है। और अगर हम नदीन नाशक की बात करें तो नदीन नाशक में हम लोग यही सिफारिश करते हैं कि आप लोग जो है वो फ्लैट फैन नोज़ल जो है वो इस्तेमाल करें। इसमें जो है वो 200 लीटर तक पानी जो है वो निकाल सकती है।
सो और नदीनों की बात अगर की जाए तो जो हम नदीन नाशक जो है बिजाई के समय डालेंगे उसमें 200 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा, और जो भी नदीन नाशक हम फसल निकलने के बाद डालते हैं उसमें 150 लीटर पानी का इस्तेमाल हम लोग सिफारिश करते हैं। और अगर हम जो आम पंप है उसकी बात करें तो वो 16 लीटर का होता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उस पंप के साथ आप स्प्रे कर रहे हैं और बिजाई के समय, तो कम से कम आपके 15 पंप लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसानों के अंदर ये पैदाइशी हुनर होता है खतरों से खेलने का। बुलंद हौसलों के साथ अगर सही तकनीक मिल जाए तो चुटकियों में हर समस्या को दूर किया जा सकता है। और वैसे भी कहते हैं कि हर मुश्किल का हल होता है, लेकिन ज़रूरत होती है बस उस तक पहुँचने की। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो समस्याएं हैं उनके समाधान हैं, लोगों तक कैसे पहुंचे, किस तरीके से उनकी समस्याएं सुलझें, इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं धानुका सलाहकार राजीव। राजीव, मक्के के जो खेती करते हैं किसान, उनकी ज़्यादातर समस्या होती है मोथा से, तो उससे कैसे बचा जाए? उसके लिए है कि अपने से विलेज के अंदर जाते हैं तो फार्मर बोलते हैं कि इसको उसकी मेन मतलब समस्या आती है कि मोथा, तो फार्मर कहते हैं किसी तरह से ये मेरा कंट्रोल हो जाए तो फिर मैं थोड़ा सुखी हो जाऊँ। क्योंकि किसी किसी खेत में तो ऐसे प्रॉब्लम आती है कि पूरा ऐसा लगता है कि 90% या 70% मोथा ही बीज दिया हो, तो फार्मर बहुत परेशान है उसके करके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके लिए जो है अपना धानुका कंपनी की सैंपर आती है, सैंपर का यूज़ ऐसे करना है कि जब डीले की कंडीशन या मोथे की कंडीशन 3 से 5 पत्ती का होता है, उस टाइम 36 ग्राम सैंपरा प्लस 500 ग्राम कॉर्नेक्स, उसका अगर स्प्रे कर दिया जाए तो उसका करीब देखोगे 8-10 दिन बाद हल्का सा पीला पड़ना चालू होगा, और उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल होता है जी, मतलब पूरा जड़ से मारेगा ये। जबकि बाज़ार में और दूसरी दवाइयाँ भी आती हैं, वो क्या करती हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से कंट्रोल करेगी, जबकि नीचे से वो ऐसे ही रहेगा। तो इस दवाई के ये फ़ायदे हैं कि आपका पूरी जो उसकी गांठें हैं तो उसको कंट्रोल करती है ये, करीब 6 से 5-6 गांठ आराम से कंट्रोल करती है। जब गांठें कंट्रोल होगी तो क्या होगा, सारी जो मतलब जो उसके इल्ड जो बढ़ेगी, इल्ड इसलिए बढ़ती है कि वो जब सारा मोथा ख़त्म हो गया तो सारा जो फर्टिलाइज़र डालते हैं या कोई और चीज़ डालते हैं तो सारा लगेगा प्लांट को, तो उससे क्या होगा, सारा मेज़ को लगेगा सारा, तो उससे फिर जो बढ़िया हो जाएगा जी आपका। ये तो आपने मोथा की बात बताई, और मक्के की जो खेती करते हैं उन किसानों का कई किसान इस बात की शिकायत करते हैं जो, और सबसे बड़ा जानी दुश्मन जो माना जाता है वो कंसुआ भी है, तो उससे कैसे बचा जाए? उसके लिए मैडम ऐसा होता है जैसे कि अपना उसकी पहचान है सर ये कि मैडम कि उसको ऐसे निकालने से वो निकल जाएगा, तो उसके लिए अपना धानुका कंपनी की मैं सिफारिश करता हूँ, कवर के नाम से एक दवाई आती है, उसका 30 ml डोज अगर डाल दिया जाए 100 लीटर पानी में तो वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा जी। अपने मोथा कंट्रोल कर लिया प्लस जो कंसुआ कंट्रोल कर लिया तो मक्की क्या होगी, बिल्कुल स्वस्थ होगी मक्की। हमारा जो पूरा मकसद है कि जो समस्याएं हैं किसानों की वो सुलझें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तकनीक पहुँचे, तो ऐसे में आप किस तरीके से अपनी तकनीक को किसानों तक लेकर जा रहे हैं? मेरे जैसे कई सारे धानुका सलाहकार हैं जो गांव के अंदर काम कर रहे हैं, हम किसानों से मिलते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और फिर उनके जो भी समाधान होता है उसको बताते हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुश्किलें घटेंगी तभी पैदावार बढ़ेगी, और पैदावार जब बढ़ेगी तब किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। हमारे इस कार्यक्रम धानुका खेती की नई तकनीक का मकसद किसानों को सक्षम बनाना है, क्योंकि जब किसान आगे बढ़ेगा तभी देश खुशहाल होगा। हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में। नमस्कार। कृषि और कृषि से जुड़े निकायों जिन्होंने कृषि जगत में अभूतपूर्ण योगदान दिया है, धानुका उन्हें सम्मानित करने जा रही है इनोवेटिव एग्रीकल्चर अवार्ड से, जिसके लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। धानुका ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 8-10 वर्षों के अंदर में 20 से ज़्यादा नए उत्पाद पहली बार भारत में लेके आई है। स्पॉटलाइट एंड ABP न्यूज़ नेटवर्क इनिशिएटिव।